तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स, और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नेट जून 2017 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि लैग्रेंजिया डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल सिस्टम गवर्न बाय द लैग्रेंजियन एल इज इक्वल टू दिस इज ई नॉट, तो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन टॉ सेटिस्फाइड, ऑप्शन आर ए बी सी डी। तो फ्रेंड, यहां पर आपको एक वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए एनर्जी दी गई है ई नॉट, और उसका एक लैग्रेंजियन है जो हमारे पास है एल इज इक्वल टू 1/2 mx² का स्क्वायर माइनस 1/2 kx^2n। तो हमको यहाँ पर इसके लिए टाइम पीरियड बताना है। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका गिवन डेट। तो हमारे पास जो आपका गिवन डेट है वो कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पर लैग्रेंजियन दिया हुआ है 1/2, ये हमारे पास है m और ये हमारे पास है x डॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 k, ये आपके पास है x^2n, ये आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, वो आपको पता है d/dt, ये हमारे पास होता है डेल l अपॉन डेल x डॉट माइनस डेल l अपॉन डेल x इज इक्वल टू हमारे पास होता है 0 यानी कि 0। अब हम जब इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस ये हमारे पास है के, यहां से हमारे पास आएगा एन और एक्स की पावर ये हमारे पास है 2n-1। फ्रेंड, इस तरीके से ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0, अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ एम ये हमारे पास है एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास है के एन और एक्स की पावर 2n-1। अब फ्रेंड, हम ना यहाँ पे इसको एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम यहाँ पे इसको x से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये हो जाएगा आपके पास एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास है के एन, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास के एन हो गया, ये हमारे पास हो गया के एन, यहाँ पे आप लिखोगे x की पावर 2n-2, ये हमारे पास हो गया इंटू एक्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये हमारे पास एक क्या निकल के आ गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू दिस, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है x डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करते हैं, यहां से फ्रेंड्स हमारे पास हो जाएगा x डबल डॉट, ये हो जाएगा माइनस, यहां से हम लिख लेंगे के एन अपॉन एम, ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 2n-2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ x डॉट इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं तो ये मेरे पास क्या है आपका ओमेगा, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे इस चीज को ऐसे ना लिख के, अभी थोड़ा सा हम इसको बाद में लिखते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे रफ कर लेते हैं और ये हमारे पास x डॉट की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो ये मेरे पास क्या है आपका x डॉट, तो ये आपके पास x डॉट निकल के आ गया है माइनस का के एन अपॉन एम एक्स की पावर 2n-2 इंटू एक्स। अब यार आपको पता है कि हमारे पास एक क्या होती है आपकी यहाँ पे वायरल थ्योरम होती है, यह हमारे पास है इस तरीके से, यह हमारे पास होती है वीरियल थ्योरम, तो यहाँ पे। अब फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास अगर बी हमारा इस प्रोपोर्शनल है आर की पावर एन प्लस वन, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी के, तब यहाँ से हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम पास क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस का, ये भी हमारे पास हो जाएगा v, तो यहां से e नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2v। अब यहां से हमारे पास जो v की वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगा e नॉट बाई 2, तो इस तरीके से ये हमारे पास v नॉट की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो v नॉट होता है तो ये हमारे पास है e नॉट बाई 2, v नॉट हमको क्या दिया हुआ है 1/2, ये हमारे पास है k और x की पावर ये हमारे पास है 2n, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से अब आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास है, अब फ्रेंड इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास e नॉट इज इक्वल टू के, ये हमारे पास है x की पावर 2n, यहां से आप x इज इक्वल टू e नॉट अपॉन के
और इसकी पावर हमारे पास क्या है, 1/2n, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को हम फ्रेंड्स इसमें पुट कर देंगे, किसमें, हमारे पास जो निकल के आया था ये था हमारे पास x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास था के एन अपॉन एम, और फिर हमारे पास जो निकल के आया था ये आया था x, ये हमारे पास था 2n-2 और इंटू हमारे पास था x। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये चीज तो आपकी ऐसी रहने वाली है माइनस, ये हमारे पास है के एन अपॉन एम। अब आप देखिए यहां पर x की जगह मैं पुट कर दूंगा क्या, ई नॉट अपॉन एम, या और सॉरी ई नॉट अपॉन के, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, और फ्रेंड इसकी पावर 2n है तो ये हो जाएगा 2n-2/2n इंटू एक्स, एक्स को मैं ऐसे रहने देता हूँ ये वाला। अब ये हमारे पास है तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास के एन, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इंटू एन। अब आप देखेंगे तो यहां से फ्रेंड्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन के, ये हमारे पास है तो फ्रेंड्स ये आपके पास हो जाएगा 1-1/n, ये हमारे पास हो जाएगा इंटू एक्स। अब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का के अपॉन के इंटू एन, ये हमारे पास है एम। अब फ्रेंड ये तो मेरे पास हो जाएगा ई नॉट बाई के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ ई नॉट बाई के, और ये मेरे पास कितना है आपका, ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस का 1/n, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू एक्स। तो ये आपने लिखा, अब ये हमने जब लिखा है तो फ्रेंड यहां से आप देखिए ये हमारा के से आपका के कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास है ई नॉट, तो आप इसको सॉरी, तो यहाँ पर ये हमारे पास है एन अपॉन एम, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे ये मेरे पास हो जाएगा ई नॉट, और फ्रेंड देखिए ये मेरे पास हो जाएगा आपका ई नॉट, ये मेरे पास है माइनस का 1/n, ये हो जाएगा के की पावर माइनस का 1/n, और ये हो जाएगा इंटू एक्स, मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया है, ये हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये के की पावर ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से जाएगा, इसको लिख लेंगे के की पावर हाफ क्योंकि ऊपर चला गया है, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा ई नॉट, यहाँ पे मैं इसको लिख लूंगा 1-1/n, ये हो जाएगा इंटू एक्स। तो आपने यहाँ पे इसको लिख लिया है, ये हमारे पास क्या है एक्स डबल डॉट, तो ये तो मेरे पास एक्स डबल डॉट की वैल्यू आ गई किसकी फॉर्म में, ई नॉट की फॉर्म में, क्योंकि ऑप्शन में आपको ई नॉट ही दिया हुआ है, तो ये हमारे ई नॉट की फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख लिया। मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, तो यहां से आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू है माइनस, ये हमारे पास कितना आ गया है एन अपॉन एम, ये हमारे पास है के की पावर 1/n, ये हमारे पास है ई नॉट। अब फ्रेंड देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा आपका 1/n, और ये हमारे पास हो जाएगा इनटू का एक्स, ये हमारे पास है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो आप देखिए ये हमारे पास हो जाएगा एस्पिरेशन माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा एन अपॉन एम, ये होता है हमारे पास है ना माइनस का के 1/n, ये हो जाएगा ई नॉट, यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे एन माइनस 1/n, तो ये तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से मेरे पास जो ओमेगा आ जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट एन अपॉन एम, यहाँ से ये हो जाएगा के की पावर 1/2n, ये हो जाएगा ई नॉट, और आप इसको लिख सकते हो n-1/2n क्योंकि आपने रूट ले लिया है, तो हमारे पास सब में अपॉन में 2 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो गई, अगर आपसे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछी जाती तो हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख लेते, बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2π/τ, क्योंकि टाउ यहाँ पे दिया गया है हम टाउ ले लेंगे, वैसे टी होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो टाउ की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा आपके पास कितना ओमेगा अपॉन और सॉरी 2π/ω, तो ये मेरे पास हो जाएगा टाउ, ये हो जाएगा 2π। अब फ्रेंड देखिए ये हमारा अपॉन में आ रहा है तो सब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एम अपॉन एन, ये हमारे पास है, और ये हो जाएगा k की पावर माइनस 1/2n, और ये हो जाएगा आपके पास e नॉट, और आप ये भी हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1-n/2n, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो हमारे पास जो क्वेश्चन का राइट आंसर आया है वो आया है टॉ इज इक्वल टू 2π अंडर रूट m अपॉन एन, ये हमारे पास है k की पावर माइनस का 1/2
टू एन, ई नॉट वन माइनस एन अपॉन टू एन। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड ऑस्किलेशन निकल कर आ गया है। अब एक बार यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो देख लीजिए ये हमारे पास क्या है ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये हमारे पास है टो इज प्रोपोर्शनल टू के की पावर माइनस के वन अपॉन एन। यहाँ पे आपको दिया गया है टो इज प्रोपोर्शनल के की पावर माइनस वन अपॉन टू एन ई की पावर वन माइनस के दिस। और फ्रेंड यहाँ पे आपके पास टू आ रहा है और यहाँ पे आपके पास प्लस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है आपका, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। राइट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा है, मतलब इन्होंने रूट वाली टर्म को हटा दिया है। तो अगर यहाँ पे मैं इस रूट वाली टर्म को हटा देता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह इन्होंने इतनी टर्म को यहाँ पे हटा दिया है, मतलब इस टर्म की जगह इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी का यूज किया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूँ तो ये हो जाएगा टो इस प्रोपोर्शनल टू के की पावर माइनस का वन अपॉन टू एन, ये हो जाएगा ए नॉट और आप इसको लिख सकते हैं वन माइनस एन अपॉन टू एन। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास आज इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमिक के प्लेटफॉर्म पर फिजिकल साइंस का प्लस एजुकेटर हूं और मैं यहां पे आपको फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस देता हूं। तो मैं यहां पर आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि इसका क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड यहां पर आपको डेली 90 मिनट की क्लास मिलती है, यानी कि डेढ़ घंटे की हमारी क्लास होती है। हर तीन क्लास के बाद आपको यहां पे डाउट क्लियर सेशन मिलता है जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहां पे आपको लेसन वाइज क्यूज मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ते हैं मैं साथ में आपको उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्यूज कराता हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उस लेसन के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। मैं आपको इधर उधर का नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और मेरे इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मेरा नाम है अनअकैडमी पर ललित कुमार और ये मेरी प्रोफाइल है इस तरीके से। और फ्रेंड अगर आप मेरे कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करना होगा। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था। तो फ्रेंड जल्दी से आप मेरे इस कोर्स पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।